नमस्कार, स्वागत है फिर से आप सभी का म्यूजिक गैंगवे में। जैसा कि इससे पहले यानी कि पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने जाना कि बिहार के लोक नृत्य कौन कौन से जो प्रसिद्ध हैं, आज के इस वीडियो में जैसा कि देख रहे हैं हम लोग बिहार के प्रमुख घरानों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जो बिहार से संबंधित टॉपिक है उसको कवर करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एमसीक्यू की तरफ चलेंगे और लाइव भी आएंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल एक दो दिन बिजी हैं, अब लग रहा है कि एक दो दिन के बाद हम लाइव आएंगे। ठीक है, नोटिफिकेशन जाएगा आप लोगों को, बता दिया जाएगा जैसे ही मैं प्रिपेयर होता हूँ। अभी एक दो दिन थोड़ा सा बिजी हूँ, उसके बाद लाइव आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जानेंगे बिहार के प्रमुख घराने। ठीक है, बिहार के जो शास्त्रीय घराने हैं, ठीक है, उसमें दो तीन नाम आते हैं। ठीक है, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे पहले है आपका दरभंगा घराना। ठीक है, दरभंगा घराना, उसके बाद बेतिया घराना है, और उसके बाद से आपका डुमराव घराना है। ठीक है, उसके बाद भी कई छोटे मोटे घराने हैं। ठीक है, बढ़िया घराने हैं। फिलहाल हम लोग ये जो प्रमुख घराने हैं ये ध्रुपद के घराने माने जाते हैं, ध्रुपद के लिए बहुत ही प्रसिद्ध घराने हैं, और दरभंगा घराना, बेतिया घराना, डुमराव घराना। ठीक है, तो इन तीनों घरानों के बारे में आज हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक है, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए ये जानकारी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत लंबा वीडियो होने वाला नहीं है, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट भी करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे दरभंगा घराना। ठीक है, दरभंगा घराने के बारे में देखते हैं। दरभंगा घराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत ध्रुपद का एक घराना या परंपरा है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसकी शुरुआत 18वीं सदी में दरभंगा के महाराजा के दरबार के संगीतकार राधा कृष्ण और कर्ता राम ने की थी। ठीक है, यहां पे क्या पॉइंट देखना है, यहां पे ये राधा कृष्ण और कर्ता राम, ठीक है, इन्होंने की। यह शैली अपनी गायन प्रस्तुति और ऊर्जावान प्रदर्शन के लिए उल्लेखनीय है। ठीक है ना, इसमें ध्रुपद गायकी, ऊर्जावान प्रस्तुति, ठीक है, गायन शैली प्रदर्शन के लिए उल्लेखनीय है। साथ ही अलाप के बाद गाने कैसे गाए जाते हैं इसके बारे में ये बताता है। ठीक है, ये घराना, दरभंगा घराने के उल्लेखनीय गायकों में राम चतुर मलिक हैं, प्रेम मलिक हैं, सियाराम तिवारी हैं। ठीक है, और दरभंगा घराना ध्रुपद की गौहार वाणी पर आधारित है, इस मायने में ये अद्वितीय है। ठीक है, जैसा कि हमारे चार ध्रुपद की वाणियां होती है, गौहार जिसे गोबरहार कहते हैं, और खंडहार, नौहार और डागुर वाणी। ठीक है, तो ये गौहार वाणी के लिए बेहद ही प्रसिद्ध है। इसमें मुख्य हमें देखना क्या है, दरभंगा घराना जो है ये ध्रुपद गायनी गायन के लिए बेहद ही प्रसिद्ध घराना रहा है, और इसमें राम चतुर मलिक, सिया राम तिवारी, प्रेम मलिक और भी बहुत सारे गायकों का नाम आता है, लेकिन ये प्रमुख गायक रहे इस घराने के। साथ ही राधा कृष्ण और कर्ता राम, ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, ये नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है, इन्होंने ही 18वीं सदी में ऐसा माना जाता है कि दरभंगा के महाराजा के दरबार में संगीतकार राधा कृष्ण और कर्ता राम ने की थी। ठीक है, तमाम जगहों पे तमाम जो कवि होते हैं, साहित्यकार होते हैं, लेखक होते हैं, शोधकर्ता होते हैं, गूगल पे हम लोग देखते हैं कि कहीं कहीं पे कुछ और, कहीं कहीं पे कुछ और मिलता है। ठीक है, तो चूंकि किताब में भी कहीं कुछ और रहता है, तो इस तरह से तमाम भ्रांतियां आप लोगों को मिलती रहेंगी, लेकिन फिलहाल जो चीजें मैं बता रहा हूं इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये
जो है ये कॉमन है दरभंगा घराना के लिए कि ये ध्रुपद गायन के लिए बेहद प्रसिद्ध है। और ध्रुपद गायकी में जो है राम चतुर मलिक, प्रेम मलिक, सियाराम तिवारी, इनका नाम बहुत ही सराहनीय है और ये गौहार वाणी पर आधारित है, ठीक है। और ये राधा कृष्ण और कर्ता राम ने इसकी स्थापना की थी, मतलब स्थापना का ये गायन शैली इनके दरबार में शुरुआत हुई थी कि इनके दरभंगा के महाराजा के दरबार में, ठीक है। और ये 18वीं सदी में बताया जाता है। तो जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, दरभंगा घराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत ध्रुपद का एक घराना या परंपरा है। ये परंपरा या घराना वही चीज है, ठीक है, ध्रुपद परंपरा है या घराना है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसकी शुरुआत 18वीं सदी में दरभंगा के महाराजा के दरबार के संगीतकार राधा कृष्ण और कर्ता राम ने की थी। यह शैली अपनी गायन प्रस्तुति और ऊर्जावान प्रदर्शन के लिए उल्लेखनीय है। साथ ही अलाप के बाद गाने कैसे कैसे गाए जाते हैं, ठीक है, कैसे गाए जाते हैं अलाप के बाद में, ठीक है। और दरभंगा घराने के गायकों में राम चतुर मलिक, प्रेम मलिक और सियाराम तिवारी शामिल हैं। दरभंगा घराना ध्रुपद की गौहार वाणी पर आधारित और इस मायने में अद्वितीय है, ठीक है। तो ये दरभंगा घराने के बारे में सात टिप्पणी है, बहुत ज्यादा विस्तृत मैंने नहीं बताया है इसमें। ये देखिए बेतिया घराना दूसरे नंबर पर आता है, बेतिया घराना ये भी ध्रुपद के लिए बेहद प्रसिद्ध घराना है, ठीक है, ये भी पुराना घराना है। संगीत के क्षेत्र में बेतिया घराने का बड़ा ही योगदान रहा है, ठीक है। इस घराने ने भारतीय संगीत को न सिर्फ संरक्षित करने का काम किया है, ठीक है, बल्कि बुलंदियों पर भी पहुंचाया है, ठीक है। यही वजह है कि पिछले 400 वर्षों से बेतिया घराना ने भारतीय संगीत को संजोए रखने का काम किया है। इस राज घराने ने पारंपरिक भारतीय संगीत ध्रुपद शैली को जीवंत रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। अब देखिए इसमें क्या है, ये भी ध्रुपद की गायन शैली के लिए बेहद प्रसिद्ध है और साथ ही इस घराने ने संगीत को संरक्षित किया है, बहुत ही ऊंचाइयों तक ले गया है, ठीक है। और ये माना जाता है कि 400 वर्षों पुराना है, ठीक है, कहीं कहीं पे कुछ और देता है 500 देता है, कहीं पे कुछ और देता होगा, ठीक है। लेकिन ये जो बेतिया घराना है बिहार का प्रसिद्ध घराना है, ठीक है, और संगीत ध्रुपद शैली को जीवंत रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं, हालांकि इस राज घराने के कुंज बिहारी मलिक को आखिरी संगीतज्ञ के रूप में माना जाता है, ठीक है ना, बेतिया घराने के आखिरी संगीतज्ञ के रूप में कुंज बिहारी मलिक को माना जाता है। इस घराने का ध्रुपद गायन शैली नौहार खंडहर रहा है। इस घराने के प्रसिद्ध गायक श्यामा मलिक, कुंज बिहारी मलिक, उमा चरण मलिक और इंद्र किशोर मिश्र रहे हैं, ठीक है, इंद्र किशोर मिश्र अभी ये इस समय के हैं, वर्तमान समय के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हालांकि इस राज घराने के कुंज बिहारी मलिक को आखिरी संगीतज्ञ माना गया है, किनको, कुंज बिहारी मलिक को, ठीक है। और यह ध्रुपद के नौहार खंडार वाणी के लिए प्रसिद्ध है। इस घराने के प्रसिद्ध गायक श्यामा मलिक, कुंज बिहारी मलिक और उमा चरण मलिक के साथ साथ इंद्र किशोर मलिक रहे हैं, ठीक है, इंद्र किशोर मिश्र, सॉरी मिश्र, ठीक है। तो ये है बेतिया घराना, ठीक है। आगे चलते हैं डुमराव घराने के बारे में जानते हैं। डुमराव घराना लगभग 400-500 वर्षों से, ठीक है, संगीत जगत में कायम है, कहीं पे 400 वर्ष देता है, कहीं 500, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है। डुमराव घराना लगभग 400 वर्षों से संगीत जगत में कायम है। इस घराने के संस्थापक पंडित माणिक चंद दुबे व पंडित अनूप चंद दुबे हुए, ठीक है। इन्होंने संगीत की शिक्षा दक्षिण भारत में प्राप्त की थी। इनकी वंश परंपरा के पंडित रामलाल दुबे डुमराव महाराज के दरबारी गायक थे। वह पंडित सहदेव दुबे ध्रुपद के महान गुरु हुए, ठीक है। अब देखिए ये भी एक ध्रुपद के विशेष और प्रसिद्ध घराना है जो बिहार में है और ये डुमराव घराना के नाम से प्रसिद्ध हुआ है, ठीक है। तो डुमराव घराना भी 400-500 वर्षों से संगीत जगत में कायम है। इस घराने के संस्थापक पंडित मणिक चंद दुबे व पंडित अनूप चंद दुबे हुए हैं।
इन्होंने संगीत की शिक्षा दक्षिण भारत में प्राप्त की थी, ठीक है, दक्षिण भारत से प्राप्त की थी। इनकी वंश परंपरा के पंडित रामलाल दुबे डुमराव महाराज के दरबारी गायक थे, वो पंडित सहदेव दुबे ध्रुपद के महान गुरु हुए, ठीक है। अब चलिए आगे थोड़ा बहुत देख लेते हैं। बिहार का जो, इसको बिहार का दूसरा प्रमुख ध्रुपद घराना माना जाता है, डुमराव घराने को, और ये माना जाता है डुमराव महाराज के दरबार में सुप्रसिद्ध गायक घनारंग जी हैं, जो ऊंच कोट के कवि एवं संगीतक रचनाकार थे। इनके अतिरिक्त अन्य कुछ विद्वान गायक हुए, जैसे बच्चू मलिक, विश्वनाथ पाठक, सहदेव मलिक इत्यादि, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि डुमराव महाराज के दरबार में सुप्रसिद्ध गायक घनारंग जी, यहाँ पे घनारंग जी हैं, इनको याद रखिएगा, डुमराव के घनारंग जी हैं, बच्चू मलिक है, विश्वनाथ पाठक है, सहदेव मलिक है, और भी बहुत सारे गायक हैं। और डुमराव घराने के बारे में और भी कई टिप्पणियां मिलती है जगह जगह पे, अलग अलग आप लोगों को उनके गायक, उनका उत्पत्ति वर्ष, उनके संस्थापक, ये सारी चीजें आप लोग को अलग अलग मिलेगी। लेकिन जो मेरे पास मटेरियल है, मैंने भी इसको सर्च किया, इसको अपने अनुसार लिखा है, ठीक है। तो ये हैं आपके डुमराव घराने के प्रमुख गायक, बच्चू मलिक, विश्वनाथ पाठक, सहदेव मलिक, ठीक है, और घनारंग जी जो कि प्रसिद्ध गायक थे और डुमराव महाराज के दरबार में रहते थे, जो कि ऊंच कोट के कवि एवं संगीत रचनाकार थे, ठीक है। तो ये हो गए आपके डुमराव घराना, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने इन तीन घरानों के बारे में जाने, घरानों के बारे में, दरभंगा घराना, बेतिया घराना और आपका डुमराव घराना, ठीक है। इसका पीडीएफ जो है आप लोगों को म्यूजिक गेन टेलीग्राम पे मिलेगा, ठीक है। इस टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, ठीक है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। ज्वाइन करने और सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर कैसे ज्वाइन करें, क्या चार्ज है, कैसे चार्ज है। तो टेलीग्राम और यूट्यूब सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही आप लोग अगर एसएससी रेलवे की तैयारी करते हैं तो एग्जाम्स गैंगवे, जो कि एक छोटे भाई का चैनल है गैंगवे परिवार से ही, एग्जाम्स गैंगवे को भी आप लोग सपोर्ट करेंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। अगर कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है आपका भाई, कोई मित्र, ठीक है, और नहीं भी करते हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि इनका भी सपोर्ट हो जाए। साथ ही अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं, मैथ आपका कमजोर है, तो यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, एसएससी रेलवे की तैयारी, जीडी की तैयारी, पुलिस की तैयारी, जो भी है, मैथ के बहुत ही अच्छे टीचर हैं अभिषेक जी। तो यहाँ पे आप लोग एग्जाम्स गैंगवे को भी सब्सक्राइब करेंगे, म्यूजिक गैंगवे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही ये टेलीग्राम है, इसको आप लोग ज्वाइन करके वहाँ पे पीडीएफ ये सारी ले सकते हैं, ठीक है। और जो भी बचा खुचा है आपके स्टेट के सिलेबस में, उसको जल्द ही मैं एक दो दिन में पूरा कर देता हूँ, ठीक है। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो फिर दो तीन दिन बाद आप लोग संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अब बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, सर लाइव कब आएंगे, सर आपको लाइव आना चाहिए, आप लाइव नहीं आते हैं, ठीक है। तो बस थोड़ा सा इधर उधर अभी थोड़ा सा चल रहा है लगन, तो दोस्तों का तिलक, शादी विवाह में जाना पड़ता है, 3-4 बजे मैं आता हूँ, घर पे थोड़ा काम भी हो रहा है, थोड़ा सा टाइम का भाव रहता है, ठीक है, तो इसलिए लाइव नहीं मैं ले पाता हूँ। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर लाइव कब आते हैं, तो मैं लाइव लूँगा। फिलहाल जितना मैटर मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियो में चैनल पे, उसको अच्छे से देखिए, बता ही देता हूँ कैसे तैयारी करना है, नोट्स बनाइए, किताबें ले लीजिए, और भी जो संगीत के अलावा जो नंबर आते हैं बीपीएससी में 70 नंबर के और 50 नंबर के स्टेट में अदर सब्जेक्ट से, तो उसकी भी तैयारी आप लोग अच्छे से करते रहिए, ठीक है। चलिए आप सभी का प्यार बना रहे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।